अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम बशारत है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टैबलेट है बिना वाईफाई के। यानी यूँ समझ लें आपका वाईफाई ख़राब हो गया है एंड्रॉयड का, तो उसके अलावा भी एंड्रॉयड के अंदर एक ऑप्शन होती है कि आप इसको केबल भी लगा सकते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर में इंटरनेट की केबल लगाते हैं, उस तरह आप केबल भी लगा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये है OTG केबल और ये है इंटरनेट USB। ये देख रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेट की केबल लगती है, ये USB है, ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, मैंने लगा दी। ठीक है, इस तरह से अब इसको टैबलेट के अंदर लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे चार्जिंग करते हैं मोबाइल को या टैब को चार्ज करते हैं, वहाँ पे लगाने के बाद सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स, टैबलेट की सेटिंग्स में। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं इंटरनेट लिखा आ रहा है, ये देखें ये रेड कलर का, ये इसको ओपन करूँगा। ठीक है, ये कनेक्टिंग कर रहा है, यानी कनेक्टिंग कर रहा है किसके साथ, ये इस USB के साथ। अगर मैं इसको इंटरनेट की केबल लगा दूंगा तो ये इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट की केबल लगाऊंगा तो इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। ऊपर आप टीवी देखें, ऊपर एक आइकॉन भी आ रहा है टीवी का, यहाँ पे आ रहा है ये वाला, यानी जिस तरह हमारे कंप्यूटर में ये देखिए, अब मैं निकालता हूँ ये चला जाएगा, चला गया, यहाँ पे देखें चला गया। अब देखिएगा, लगाता हूँ आ जाएगा, वहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इसको इंटरनेट की केबल लगा के आप नेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये OTG केबल और USB इंटरनेट, ये आप लगाएंगे और पीछे नेट की केबल लगा दी जिस तरह हम कंप्यूटर में लगाते हैं, तो ये इस टैब पे, यानी जो भी आपका टैबलेट है उसमें ये चलना शुरू हो जाएगा। नेट इंटरनेट की ऑप्शन होती है टैबलेट्स के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर नहीं होती है, नोट्सबुक में भी होती है। ठीक है, टैब्स में भी होती हैं। अब आप समझ के होंगे कि मैंने आपको एक नई चीज़ बताई है, शायद कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग मोस्टली पीपल जो है ना वो इसको नहीं जानते हैं, ये इंटरनेट की ऑप्शन को। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।